हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शादाब ग्राफिक्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने गांव या फिर शहर की नई वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में बहुत सारे करेक्शन होते रहते हैं, जिनमें नए मेंबर्स के नाम जोड़े जाते हैं और पुराने मेंबर जिनकी डेथ हो जाती है या किसी दूसरी जगह पर जाकर रहने लगते हैं, उनके नाम लिस्ट में से डिलीट कर दिए जाते हैं। अगर आपने भी अपना नया वोटर आईडी कार्ड बनवाया है या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड पहले से ही बना हुआ है, तो आपको पहले ये चेक कर लेना है कि आपका नाम नई वोटर लिस्ट में है या नहीं। तो किस तरीके से आपको वोटर लिस्ट को चेक करना है और डाउनलोड करना है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है nvsp.in। अब यहां पर आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके सिंपली यहां पर पहुंच सकते हैं। अब नई वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको यहां नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड इलेक्टोरल रोल PDF। आपको यहां पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको गो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स, आप अपने स्टेट के पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एक पॉपअप देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर इसे क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर आपको दो मेन्यू शो होंगे, आपको यहाँ पर किसी भी एक मेन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इलेक्टोरल रोल PDF। आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट विंडो खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ सेलेक्ट एसी में आपको अपना असेंबली यानी कि विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर शो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स, आपके सामने आपके असेंबली के सभी पोलिंग स्टेशन के नाम शो होंगे। अब इनमें से आपका जो भी पोलिंग स्टेशन है उसके सामने आपको व्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक कैप्चा शो होगा, आपको इसको फिल कर देना है। इसके बाद व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स, आपके सामने आपकी वोटर लिस्ट आ जाएगी। आपको यहाँ पर इसकी अपडेट की डेट देखने को मिल जाएगी, 5 जनवरी 2022 को ये अपडेट की गई है। यहाँ पर आपको आपके पोलिंग स्टेशन की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। नीचे यहाँ सेकंड पेज पर आपको आपके पोलिंग स्टेशन के कुछ पिक्चर और उसका मैप देखने को मिल जाएगा। अब फाइनली फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सभी वोटर्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। आपके गाँव या शहर के जितने भी वोटर्स हैं उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप किसी भी स्टेट की नई वोटर लिस्ट को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।